की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपको सीधा दिखाएंगे क्या चल रहा है वहां पर। देखिए किस तरीके से ऐलान हो रहे हैं आज, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र और कई राज्यों में उपचुनाव तारीखों का ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की। बड़ी खबर यही कि महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव होगा। तारीखें आ गई हैं सामने, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 23 नवंबर को महाराष्ट्र में मतगणना होगी, एक ही चरण में चुनाव होंगे। झारखंड में दो चरणों में चुनाव किया जाएगा, एक ये भी जानकारी आपको दे दें, बड़ी खबर है इस वक्त की। एक चरण में महाराष्ट्र में चुनाव होंगे और दो चरण में झारखंड में चुनाव होंगे, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 23 नवंबर को महाराष्ट्र में मतगणना होगी, ये एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। महाराष्ट्र की 288 सीटें और झारखंड की 81 सीटें। आपको बता दें कि ये दो फेज में चुनाव होंगे,